तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 5G ऑक्शन के बारे में, जो आप लोग अभी कन्फ्यूजन में है कि आप लोग को कौन सा टेलीकॉम में इन्वेस्ट करने पर फ्यूचर में आप लोग को बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा 5G आने पर। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं आप लोग को सारा इसका न्यूज़ बताने वाला हूँ, डे वन से लेकर डे फाइव तक। तो अभी आप लोग इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो 5G ऑक्शन बिड अमाउंट एक्सिस 1.45 लाख करोड़ ऑन वन डे, यानी जो डे वन में इसका जो बिड वो 1.45 लाख करोड़ एक्सिट किया, और इसका जो वॉट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा 4.3 लाख करोड़ का है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम से मिनिमम 7 लाख करोड़ तो जाएगा ही जाएगा। जो जिस तरीके से इसका बीच चल रहा है, बहुत ही पिछले साल से भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से बीच चल रहा है, और बहुत ही इस बार अमाउंट बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फर्स्ट डे ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर 72 गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ मतलब होता है ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो फ्रीक्वेंसी जो नेटवर्क का जो स्पीड ये मेजर करते हैं। तो यहाँ पर 5G का जो ईयरबड्स आने वाला है तो 4.3 लाख करोड़ को एक्सिट करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को आज 10 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, जो आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से इस 5G का मामला आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट एवर ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम यूज टू कैरी मोबाइल सिग्नल, जो कि 1.45 लाख करोड़ का बिड हुआ फर्स्ट डे में 5G ईयरवेव का। और यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कौन ने किया, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मुकेश अंबानी, सुनील भाटी भाटी एयरटेल का, गौतम अदानी, आप लोग को तो इनके बारे में बताइए, और ये ट्यूजडे का न्यूज़ है, और साथ ही वोडाफोन आइडिया, तो ये चारों ने ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और अभी ये बिड किसके तरफ जाने वाला है, तो ये अभी तक 50-50 चांस है। तो लास्ट बिड में 15 अगस्त से पहले हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन इसको फाइनली लेने वाला है। तो नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है वेब, जो आप लोग को मोबाइल के नेटवर्क में, जैसे कि 4G आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, तो जो वेव आप लोग को मिल रहा है वायरलेस सिग्नल, तो यही होता है स्पेक्ट्रम का मीनिंग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4G का जो अभी जो ज़माना चल रहा है, तो 5G को क्यों बोलो अपनाना चाहते हैं, क्योंकि 5G का 10x स्पीड है 4G से, और साथ ही ये लेग फ्री होगा, और साथ ही जो ऑडियंस है, और साथ ही जो आप लोग बोल सकते हैं कि जो इन लोगों का और जो जो कस्टमर है इन लोगों का, चाहे रिलायंस का हो चाहे एयरटेल का हो, तो वो ऑडियंस को वो कस्टमर को जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, तो तभी वो लोग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये चारों यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे, और अभी बीत किसके तरफ जाने वाले ये 50-50 चांस अभी हो रहे। तो नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो आप लोग को देखने को मिलेगा 4 ऑक्शन राउंड वेर कम्प्लीट है, तो अभी तक 4 ऑक्शन राउंड हो गया, जो कि बीड अमाउंट 1.45 लाख करोड़ का फर्स्ट डे में हुआ, टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये बोला। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो राउंड 5 जो होगा वो आज होने वाला है, तो इसका जो अपडेट मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में दे दूँगा, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो टेलीकॉम मिनिस्टर है तो उन्होंने बोला कि ये जो स्पेक्ट्रम का जो बीडिंग वो अगस्त के 15 से पहले ये ख़त्म होगा, और तब हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कौन ये स्पेक्ट्रम फाइनली लेने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसका जो स्पीड जो बीडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो बीडर्स है वो लोग बहुत ही दाम दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा प्राइस दे रहे हैं इस 5G को खरीदने के लिए, स्पेक्ट्रम को, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। नेक्स्ट, जो ऑक्शन सो हेल्थी पार्टिसिपेशन, तो क्या हुआ था दोस्तों, जो 4G का टाइम पे तो पिछले साल इतना बीडिंग का इतना जो हेल्थी पार्टिसिपेशन इतना नहीं था, क्योंकि तब रिलायंस और भाटी एयरटेल ही था सिर्फ कॉम्पिटिशन में, पर अभी अदानी भी आ गया इसमें, और साथ ही वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे। तो यहाँ पर इस बार बीडिंग का जो पार्टिसिपेशन वो बहुत ही हेल्दी है, और साथ ही बहुत ही इस बार बीडिंग का प्राइस पिछले साल से बहुत ही थोड़ा सा हाई दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा कि द गवर्नमेंट ही सेड विल एलोकेट दिस स्पेक्ट्रम, तो जो टेलीकॉम का मिनिस्टर है तो उन्होंने बोला, जो यहाँ पर रिकॉर्ड टाइम दिया था September 2022 का, तो इसके टाइम पे ही 5G को आप लोग को मोबाइल में आप लोग के नेटवर्क में मिल जाएगा। तो इसका जो August 14 में जो इसका बीडिंग का डेट जो ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा कि ये बिड कौन विन करने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला कि द नंबर ऑफ डेज द ऑक्शन अल्टीमेटली स्ट्रेस टू विल डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर रेडियो वेव। तो दोस्तों देखिए, जो बीडर्स इस स्पेक्ट्रम को ऑन कर लेगा, तो वो लोग कहाँ पर रेडियो वेव जो जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा नीड है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वहाँ पर पहले वो लोग देगा, और उसके बाद ही जो जो रिमोट एरियाज है, जो जो जहाँ पर नेटवर्क है, तो वहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 5G का। तो पहले ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये देने वाला रेडियो वेव, जो बीडर्स जीत जाएगा।
तो अभी अगर मुकेश अंबानी जीत गया बिट तो वो जियो में पहले देगा, भारतीय एयरटेल में अगर वो जीत गया तो भारतीय एयरटेल में पहले देगा, तो ऐसे कुछ होगा जहाँ पर मेट्रोपोलिटन में पहले मिलेगा और उसके बाद जो छोटा छोटा सिटी है या फिर छोटा छोटा शहर तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आप लोगों को अगर मैं बोलूँ तो 2023 तक 5G का जो ओवरऑल जो इंडिया में वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अभी ये देखने लायक होगा कि 14 अगस्त से पहले बिट कौन ऊन करता है और अभी कौन सा कंपनी में, कौन सा टेलीकॉम कंपनी में आप लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा कहने के लिए, तो बिट ऑन करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग के लिए कौन सा कंपनी ज़्यादा अच्छा होगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि 5G जब भी आ जाएगा तो आप लोग को प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इसके वजह से आप लोग जो भी कंपनी, जो भी बिदर्स ये ऑन कर लेगा तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उसके वजह से आप लोग के अलग से वीडियो एक बना दूंगा। और दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आप लोग अगर नया है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।